ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है होमोजेनियस कैटालिसिस का, और होमोजेनियस कैटालिटिक साइकिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट रिएक्शंस ये कह सकते हैं आप इनको, माइग्रेटरी इंसर्शन को। जैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद क्या होता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन, फाइनल प्रोडक्ट बनते समय रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है, ऐसे ही बीच में जो रिएक्शंस होती हैं कैटालिटिक रिएक्शंस, वहां पर माइग्रेटरी इंसर्शन जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रिएक्शंस का। तो अगर आप माइग्रेटरी इंसर्शन देखेंगे तो इसका जो रिवर्स रिएक्शन होता है जनरली एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है। तो माइग्रेटरी इंसर्शन की रिवर्स रिएक्शंस हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस, उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो माइग्रेटरी इंसर्शन में होता क्या है, जनरली एक एनायन लिगेंड, एक एनायनिक लिगेंड और एक न्यूट्रल लिगेंड, ये दोनों क्या करते हैं, कपल करते हैं। ये दोनों कौन कपल करते हैं, मिल जाते हैं आपस में जब ये दोनों एक दूसरे के सिस पोजीशन पर होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि चाहे ऑक्सीडेटिव एडिशन हो, चाहे रिडक्टिव एलिमिनेशन हो, चाहे माइग्रेटरी इंसर्शन हो, तो ये हमेशा याद रखिए कि जो दो स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो एड होने वाली है, चाहे वो एलिमिनेट होने वाली है, चाहे वो कपल करने वाली है, दे शुड बी सिस टू ईच अदर। उनको सिसोइडल पोजिशन पर होना है, इफ दे आर एट ट्रांस पोजिशन तब ये इस तरीके की रिएक्शन नहीं होती है। तो मेटल सेंटर पर एक एनायनिक लिगेंड और एक न्यूट्रल लिगेंड को एक दूसरे के सिस पोजीशन पर होना है। तो ये दोनों लिगेंड क्या करते हैं, कपल करते हैं, और कपल करने के बाद जनरली दे जनरेट अ न्यू कोऑर्डिनेटेड एनायनिक लिगेंड। तो एक एनायनिक और एक न्यूट्रल जब मिक्स होंगे, कपल होंगे, तो फिर वो एक एनायनिक लिगेंड फॉर्म करते हैं। इस रिएक्शन को हम कहते हैं माइग्रेटरी इंसर्शन, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन ये कहलाती है। माइग्रेटरी इंसर्शन जो रिएक्शन है, जनरली मैंने आपसे कहा कि वेरियस कैटालिटिक साइकिल्स में होती है, क्योंकि ये होमोजेनियस कैटालिस्ट में इंपॉर्टेंट एक स्टेप होता है रिएक्शंस का, और जनरली ये हाइड्रोफॉर्मिलेशन रिएक्शन या मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस में ये माइग्रेटरी इंसर्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये माइग्रेटरी इंसर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम ये एग्जाम्पल एक मैंने आपको दिया है कि ये मैग्नीज का एक कॉम्प्लेक्स है, इस मैग्नीज के कॉम्प्लेक्स में आप देख रहे हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक CH3 है और ये बाकी क्या है, CO है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को अगर आप देखेंगे तो CH3 जो है इस CO के क्या है, सिस पोजीशन पर है। तो ये CH3 एक एनायनिक लिगेंड की तरह एक्ट करता है, और जो कार्बोनिल है ये एक न्यूट्रल लिगेंड की तरह एक्ट करता है। तो ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये एनायनिक लिगेंड है, तो क्या होगा कि ये जो एनायनिक लिगेंड है ये देखिए यहां से मूव किया है और इसके पास चला गया, इसके साथ कपल हो गया, इसके साथ कपल होने के बाद ये देखिए इसने एक नया लिगेंड बना दिया, ये COCH3। और COCH3 क्या है, एक एनायनिक लिगेंड है अगेन। तो एक एनायनिक और एक न्यूट्रल स्पीसीज थी जो इसके साथ जुड़ी हुई, तो टोटल मिला के एक एनायन था, मतलब न्यूट्रल और एनायन का मतलब एक एनायन। तो ये दोनों जब कपल हुए, कपल होने के बाद इन्होंने एक नई स्पीसीज बना दी, एक एनायनिक लिगेंड बनाया। तो आप ये देखेंगे ओवरऑल कि जो मेटल था उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट वही रहेगा, सेम। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट विल रिमेन द सेम, क्योंकि पहले एक एनायन था और एक न्यूट्रल था, तो एक एनायन मान लीजिए, और बाद में भी एक एनायन बन गया तो एक एनायन मान लीजिए, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर तो कोई फर्क नहीं होने वाला है। लेकिन आप देखेंगे एक वैकेंट साइट जरूर क्रिएट हो गई, इसकी जगह पर एक वैकेंट साइट क्रिएट हो गई। इस वैकेंट साइट की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो जो 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था वो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहां पर से जो CH3 है वो माइग्रेट कर गया। तो माइग्रेट कर गया तो यहां पर एक वैकेंट साइट क्रिएट हो गई। अगर इस वैकेंट साइट को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो जल्दी से रिएक्शन वापस हो जाएगी इस बैकवर्ड डायरेक्शन में, और एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एलिमिनेशन के बाद ये CH3 फिर से एलिमिनेट हो गया, यहां जुड़ जाएगा इस वैकेंट साइट पर, और हमें फिर से वही रिएक्टेंट मिल जाएगा। तो माइग्रेटरी इंसर्शन का जो अपोजिट है, जो रिवर्स है, वो एलिमिनेशन है। और एलिमिनेशन तब होता है जब हम केवल हम देख रहे हैं माइग्रेटरी इंसर्शन हो रहा है, हम कोई इस पोजिशन को ट्रैप नहीं कर रहे हैं, जो पोजिशन है, जो वैकेंट साइट क्रिएट हुई है उसको हम
क्या नहीं कर रहे हैं, उसको हम ट्रैप नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम इसको ट्रैप नहीं करेंगे तो ये वापस क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कई बार हम इसमें ट्रैपिंग एजेंट ऐड कर सकते हैं, ये ट्रैपिंग लिगेंड है, अगर मैं इस ट्रैपिंग लिगेंड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करूं तो ये ट्रैपिंग लिगेंड इस वैकेंट साइट में आ जाएगा, और वैकेंट साइट में आने से ये अगेन 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जाएगी, और ये लेकिन एम जो है वो क्या रहेगा, प्लस वन रहेगा। तो आप ये देखेंगे कि ओवरऑल अगर मैं माइग्रेटरी इंसर्शन को देखूं, अगर मैं इसमें ट्रैपिंग लिगेंड ना ऐड करूं तो ये रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है, एलिमिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट उतना स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, एक वैकेंट साइट है, और अगर इस वैकेंट साइट को मैं ब्लॉक कर दूं किसी लिगेंड के थ्रू, तो आप देखेंगे कि ये क्या बन जाएगा, ये एक वहां पर जुड़ जाएगा और ये जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और इसमें कोई भी रिवर्स रिएक्शन नहीं होगी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो माइग्रेटरी इंसर्शन के लिए ये जरूरी है कि मुझे ट्रैपिंग लिगेंड यूज करना है। दूसरा आप देख रहे हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है वो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट हो रही है, देन अगेन इट इज कन्वर्टिंग इंटू 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो ये माइग्रेटरी इंसर्शन है, जहां पर ना तो आप देख रहे हैं कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, ना ही इलेक्ट्रॉन सिस्टम चेंज हो रहा है, ना ही कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो रहा है, बट कुछ ऐसा है कि जो माइग्रेट कर रहा है, और माइग्रेट करने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो जो है वो एक नए एनायनिक लिगेंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस माइग्रेटरी इंसर्शन की क्या करेक्टरिस्टिक है, आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल सेंटर डज नॉट चेंज, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज नहीं होती है, केवल एक जगह पर चेंज होगी जहां पर एल्काइली डीन्स होंगे या कार्बिन्स के केस में आप देखेंगे वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, बाकी किसी भी माइग्रेटरी इंसर्शन में जो ऑक्सीडेशन स्टेटेड रिमेन्स एज सच, जो दो ग्रुप्स जो कपल करने वाले हैं दे शुड बी इन द सिस पोजीशन टू ईच अदर, जो कपल होने वाले हैं मतलब एक एनायनिक लिगेंड और एक न्यूट्रल लिगेंड, उन दोनों को सिस पोजीशन पर होना है, और ट्रैपिंग लिगेंड की जरूरत होती है टू कोऑर्डिनेट द वैकेंट साइट, जिससे कि बैक रिएक्शन ना हो। तो एक ट्रैपिंग लिगेंड भी यूज करना होगा जब भी माइग्रेटरी इंसर्शन करेंगे, जिससे कि वैकेंट साइट को क्या कर सके, ब्लॉक कर सके। तो अब हम देखेंगे कि जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। न्यूट्रल लिगेंड मे बी कार्बोनिल, मे बी एल्कीन, मे बी एल्काइन, मे बी कार्बिन्स, जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं वो इनमें से कोई भी हो सकते हैं। अभी आप देखेंगे क्या काम होता है इनका। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट मेटल होते हैं दे फेवर्स माइग्रेटरी इंसर्शन, ये जो सेंटर है इट शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होगा तो ये क्या होगा, ये कार्बोनिल को बैक डोनेट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बोनिल कैसा लिगेंड है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो कार्बोनिल जो है वो क्या करता है, बैक बॉन्डिंग करता है मेटल के साथ, लेकिन तब करेगा जब ये मेटल सेंटर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा। अगर ये मेटल ही जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, और ये बैक बॉन्डिंग अगर नहीं कर पाएगा तो जो कार्बोनिल है वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये मेटल से इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो जब ये नहीं ले पा रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है इसमें, तो यहां पर आसानी से जो एक एनायनिक लिगेंड है वो क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा। एक एनायनिक लिगेंड के अटैक करने के लिए इस स्पीसीज को क्या होना, जो न्यूट्रल स्पीसीज है उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना जरूरी है। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कब होगा, जब मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इसको बैकबॉन्ड नहीं कर पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो इस पर आसानी से जो एनायनिक जो स्पीसीज है वो इसके साथ क्या कर सकती है, कपल कर सकती है। तो वही यहां पर लिखा है हमने कि मेटल सेंटर है इट फेवर्स माइग्रेटरी इंसर्शन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल सेंटर, क्यों, क्योंकि इट कैन नॉट बैक डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द सीओ। तो सीओ जो है एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह एक्ट करेगा, जिसमें कि जो न्यूक्लियोफिलिक जो एनायन है CH3 वो उसके साथ क्या करेगा, कपल करेगा और वहां पर माइग्रेट कर सकता है। ठीक है, ट्रैपिंग लिगेंड। अब देखिए ये जो हमने कहा कि ये जो न्यूट्रल लिगेंड है ये क्या होते हैं, जनरली कार्बोनिल्स हो सकते हैं, एल्कीन्स हो सकते हैं, एल्काइन्स हो सकते हैं और कार्बिन्स हो सकते हैं, तो न्यूट्रल लिगेंड तो ये हो सकते हैं। मेटल को क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होना चाहिए। जो ट्रैपिंग लिगेंड है उनको गुड कोऑर्डिनेटिंग होना चाहिए, ट्रैपिंग लिगेंड जो हम ऐड करेंगे उनको अच्छा कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड होना है, मतलब दे शुड बी गुड
गुड सिग्मा डोनर लिगेंड्स। तो जैसे जैसे मिथाइल ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे वो एक अच्छा डोनर लिगेंड होगा। तो अगर PME3 होगा ट्रैपिंग लिगेंड तो वो बहुत अच्छा माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन देगा। तो ट्रैपिंग लिगेंड पर भी डिपेंड कर रही है माइग्रेटरी इंसर्शन। ट्रैपिंग लिगेंड अच्छा कोऑर्डिनेटिंग होना है, मतलब उसको सिग्मा डोनर लिगेंड होना है। एनायनिक लिगेंड अगर हम देखेंगे तो एनायनिक लिगेंड शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि उसको नेगेटिव होना है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा उतना ज्यादा वो कहां करेगा, न्यूट्रल पर अटैक करेगा या उसके साथ कपल होगा। तो जनरली जो रिच, देखिए एल्काइल ग्रुप है या पे फिनाइल ग्रुप है तो ये उतना रिच नहीं है, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ अटैच्ड है। तो जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा उतना ज्यादा ये क्या होगा, एनायनिक लिगेंड जो है वो माइग्रेटरी इंसर्शन देगा। ओके, देन अगर हम माइग्रेटरी इंसर्शन की मैकेनिज्म देखें, तो अगर हम माइग्रेटरी इंसर्शन की मैकेनिज्म देखें तो हम ये देखेंगे कि जो माइग्रेटरी इंसर्शन है इसमें दो तरीके की रिएक्शंस होना जरूरी है। दो तरीके की रिएक्शंस इसमें जनरली होती है। देखिए एक तो माइग्रेशन हो सकता है और दूसरा इंसर्शन हो सकता है। तो आप ये देखेंगे कि माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब ये जो एनायनिक लिगेंड है इसका माइग्रेशन न्यूट्रल लिगेंड में हो रहा है। तो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसी 16 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रही है, जबकि ट्रैपिंग लिगेंड का यूज हमने नहीं किया है। ठीक है, तो ये COCH3 बन गया, ये एक एनायनिक लिगेंड बन गया। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो CO लिगेंड है ये इंसर्ट कर जाए यहां। तो ये जो न्यूट्रल लिगेंड है ये यहाँ इंसर्ट कर सकता है, अगेन सेम स्पीसीज बन सकती है। तो ये जो दो मेथड है, यानी माइग्रेशन हो सकता है या इंसर्शन हो सकता है, ये हम अभी एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से पढ़ेंगे कि जनरली होता क्या है इस रिएक्शन में, माइग्रेशन होता है, इंसर्शन नहीं होता। माइग्रेटरी, इसीलिए माइग्रेटरी रिएक्शन है, माइग्रेटरी रिएक्शन है क्योंकि माइग्रेशन होता है एनायनिक लिगेंड का, बल्कि जो न्यूट्रल लिगेंड है उसका इंसर्शन नहीं होता। इसका इंसर्शन यहां पर होगा तब COCH3 बनेगा, ये माइग्रेट करेगी यहां तो ये COCH3 बनेगा। दोनों ही केस में प्रोडक्ट सेम आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या होगा इसके एविडेंस हमारे पास है कि माइग्रेशन होगा किसका, एनायनिक लिगेंड का। उसको हम लास्ट में इसको देखेंगे कि माइग्रेशन ही क्यों होता है। अगर हम माइग्रेशन देखें तो जो उसके जो मोस्ट अकरिंग मैकेनिज्म है वो तीन तरीके के मैकेनिज्म होते हैं, अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन, बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन एंड फ्रोजन माइग्रेटरी इंसर्शन। तो अगर हम अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन को देखें तो ये कार्बीन माइग्रेटरी इंसर्शन भी कहलाता है। आप ये देखेंगे कि ये मेटल सेंटर है, देखिए कार्बीन है, इस कार्बीन में मेटल सेंटर के साथ ये एक्स जुड़ा है, तो ये जो एक्स है ये एक नेगेटिव एनायनिक लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। यहां पर ये एच माइनस हो सकता है, आर माइनस हो सकता है, ओ आर माइनस हो सकता है, हैलाइड हो सकता है। तो ये जो एक्स है ये क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है इस CH2 लिगेंड पर, और माइग्रेट करने के बाद ये देखिए यहां से एक्स जुड़ गया और एक हमने ट्रैपिंग लिगेंड यूज किया है, और ट्रैपिंग लिगेंड जो यहाँ पर वैकेंट साइट जनरेट होगी उस पर ये क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर, लेकिन ये कार्बीन के केस में क्या होता है, आप देखेंगे इसको हम रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कार्बीन के केस में, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एल्काइलिडीन के केस में होता क्या है कि ये जो है ये डाई एनायनिक लिगेंड है, इस पर दो नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। ये कार्बीन का केस है स्पेशली, यहां पर जो माइग्रेट हो रही है उस पर एक नेगेटिव चार्ज है और यहां पर दो नेगेटिव चार्ज है, जबकि आपने देखा था कि माइग्रेटरी इंसर्शन में एक एनायन होता है और एक क्या होता है, न्यूट्रल स्पीसीज होती है। लेकिन कार्बीन्स के केस में या एल्काइलिडीन के केस में जनरली आप देखेंगे एक डाई एनायनिक लिगेंड है और एक एनायनिक लिगेंड है। तो ये एनायनिक लिगेंड जो है वो डाई एनायनिक लिगेंड में क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है, और किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ये जो स्पीसीज है ये क्या है, मोनोएनायनिक है, ये मोनोएनायनिक है। तो आप देख रहे हैं कि तीन नेगेटिव हैं और तीन नेगेटिव से एक नेगेटिव में ये कन्वर्ट हो रहा है, तो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आएगा, टू का। तो यहां पर आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, जबकि आपने देखा था कि इससे पहले जो माइग्रेटरी इंसर्शन आपने देखा था, मैंने आपसे कहा था कि केवल एक केस ऐसा है कार्बीन्स या एल्काइलिडीन का केस जहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है यहां पर आ रहा है, बाकी कहीं पर भी माइग्रेटरी इंसर्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आएगा। यहां पर जो चेंज आ रहा है उसकी वजह यह है कि एक डाई एनायनिक लिगेंड है, एक मोनो एनायनिक लिगेंड है, तो ये तीन जो एनायनिक लिगेंड थे वो एक एनायन में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट
स्टेट में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो ये रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन भी कहलाती है, रिडक्शन भी हो रहा है। आप देखेंगे कि जो एम है, एम के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें रिडक्शन भी हो रहा है, कपलिंग भी हो रही है, माइग्रेशन भी हो रहा है। इसलिए ये जो रिएक्शन है वो क्या है, रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन, जिसे हम अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन कहते हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो मेटल सेंटर है इसके अल्फा पोजिशन पर जो कार्बन है, उस कार्बन पर इस ग्रुप का क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, इसलिए ये अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन है। तो जब माइग्रेशन जो है वो अल्फा कार्बन पर होगा तो वह अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन होगा। और यहां पर आप देखेंगे कि ये जो है, आप देखेंगे कि जो अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन है कार्बिन के केस में, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चेंज होगा। फिर आप ये यहीं पर यही बता रही हूं मैं आपको कि जो मोनोएनायनिक लिगेंड है वो डाइएनायनिक लिगेंड के साथ मिलकर एक मोनोएनायनिक लिगेंड बना रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में वन यूनिट से टू यूनिट से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये रिडक्शन भी हो रहा है यहां पर। अब ये जो मैंने आपसे कहा कि जो माइग्रेटरी इंसर्शन है इनका अपोजिट होता है एलिमिनेशन, तो ऐसे ही अगर मैं अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन की बात करूं तो यहाँ इसका अपोजिट क्या होता है, अल्फा हाइड्राइड एलिमिनेशन। अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन का अपोजिट क्या होगा, अल्फा हाइड्राइड एलिमिनेशन, क्योंकि अल्फा पोजिशन पर माइग्रेशन हुआ है इसलिए अल्फा पोजिशन से हाइड्राइड क्या होगा, एलिमिनेट होगा। तो इसका रिवर्स रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये अगर माइग्रेटरी इंसर्शन होता है तो एलिमिनेशन भी आपको दिखाई देगा वहां पर, जैसे आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन के साथ रिडक्टिव एलिमिनेशन दिखाई देता है, वैसे ही अगर कहीं पर कैटालिटिक साइकिल में माइग्रेटरी इंसर्शन हो रहा होगा तो वहां पर एलिमिनेशन जरूर होगा। और अगर अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन हो रहा होगा तो अल्फा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा, अगर बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन हो रहा होगा तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक स्पीसीज है, यहां पर आप देखिए पहले ये जो रीनियम की स्पीसीज है यहां पर एक ट्राइटाइल यूज किया गया है जिससे कि एक हाइड्राइड क्या हो, यहाँ पर एलिमिनेट हो। तो यहां से जब हाइड्राइड एलिमिनेशन होगी तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। आप देख रहे हैं ये स्पीसीज है जहां पर माइग्रेटरी इंसर्शन होने वाला है। इस स्पीसीज को अगर आप देखेंगे तो ये कार्बिन है, अल्फा माइग्रेशन हो रहा है, देखिए सी एस सी ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट हो रहा है। और माइग्रेट होने के बाद हमने यहाँ पर कोई ट्रैपिंग एजेंट का यूज नहीं किया है कि जो यहाँ पर वेकेंट साइट क्रिएट होगी वहां पर ट्रैपिंग रिएजेंट एड हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पर वेकेंट साइट हो जाएगी, ये वेकेंट साइट, और जैसे ये माइग्रेट हुआ तो ये CH2CH3 में कन्वर्ट हो गया। देखिए ये CH3 माइग्रेट हुआ तो ये CH2CH3 में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर एक साइट जो है वो वैकेंट है, जो हमने दिखाई नहीं, वैकेंट साइट है, तो वैकेंट साइट क्या होगी, तुरंत इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा क्योंकि हमने कोई ट्रैपिंग एजेंट यूज नहीं किया है। तो कहां से होगा, इस अल्फा पोजीशन पर, तो इस अल्फा पोजीशन से एक हाइड्राइड एलिमिनेट होगा और तुरंत कहां चला जाएगा, इस वैकेंट साइट में चला जाएगा। और उसके बाद आप देखिए ये ओलेफिन जो है वो इस तरीके से इसमें जुड़ेगी कि इट बिकम अ टू इलेक्ट्रॉन डोनर। तो आप ये देखिए कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे ये जो स्पीसीज है ये भी टेट्रा कोऑर्डिनेटेड है, ये भी टेट्रा कोऑर्डिनेटेड है। ओवरऑल आप देखेंगे कि यहां पर हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आएगा, लेकिन आप देखिए कि यहां पर जो रिवर्स रिएक्शन हुई है वो अल्फा पोजिशन से हाइड्राइड एलिमिनेट हो गया, तुरंत एलिमिनेट होगा अगर मैं इस पोजिशन को इसमें ट्रैप नहीं करूंगी, ट्रैपिंग लिगेंड का यूज नहीं करूंगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, अल्फा हाइड्राइड एलिमिनेशन, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा फाइनली अल्फा हाइड्राइड एलिमिनेशन के बारे में। दूसरे तरीके की जो रिएक्शंस है वो है बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन, यहां पर एल्कीन माइग्रेटरी इंसर्शन होता है। तो आप देखिए यहां जनरली ये जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस है उनका इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, आपने जिग्लर नाटा पॉलीमराइजेशन भी आप पढ़ेंगे वहां का भी इंपॉर्टेंट स्टेप है, और माइग्रेटरी इंसर्शन जो है वो और भी कुछ रिएक्शंस में आप देखेंगे। तो यहां पर देखिए आप ये जो कैटालिस्ट है, इस कैटालिस्ट में आप देखिए एक वैकेंट साइट है और एक ये CH3 ग्रुप है। ये जो कैटालिस्ट है ये देखिए इस ओलेफिन से रिएक्ट करेगा और यहां पर इसको जोड़ देगा वैकेंट साइट में। अब ये देखिए एक ओलेफिन है और एक ये CH3 ग्रुप है, तो ये CH3 ग्रुप क्या करेगा, माइग्रेट करता है, कौन सी पोजीशन पर माइग्रेट करता है, जनरली बीटा पोजीशन पर। आप देखिए ये वाला जो कार्बन है इस मेटल सेंटर से जुड़ जाएगा और ये जो पोजीशन होगी ये बीटा हो जाएगी, तो जो इंसर्शन है, माइग्रेशन है वो बीटा पोजीशन पर हो जाएगा। देखिए बीटा पोजीशन पर ये CH3, ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है, तो बीटा पोजीशन पर CH3 का माइग्रेशन हुआ है इसलिए ये बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन है। जो ZR से जो अल्फा और बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से ये CH3 जुड़ा है इसलिए ये बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन है। अगेन ये देखिए यहां पर एक वेकेंट साइट क्रिएट होगी और इस वेकेंट साइट पर फिर ये जो ओलेफिन है वो यहां पर एड होगा, और एड होने के बाद अगेन क्या होगा, ये जो मॉइटी है ये अगेन बीटा पोजिशन पर माइग्रेट होगी। इस तरीके से आप देखेंगे कि एक जो ओलेफिन है उसका क्या होगा, पॉलीमराइजेशन, देखिए पॉलीमराइजेशन हो रहा है
है और फिर इसे वैकेंट साइट पर एक ओलिफिन आएगी और फिर इसका ऐसे पॉलीमराइजेशन होता जाएगा और लास्ट स्टेप आप इस देखेंगे इसका क्या होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, जिससे कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन होगा उसका लास्ट स्टेप क्या होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, जिससे कि प्रोडक्ट क्या हो जाए, फॉर्म हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन, जो कि आपने पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में बहुत देखा होगा। देन आप देखिए कि जो रिवर्स है इसका वह है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो मैंने आपसे कहा कि ये देखिए एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि ये मेटल सेंटर है, इस मेटल के अल्फा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है, ये बीटा हाइड्रोजन है। तो जब भी बीटा एलिमिनेशन होगा तो ये मेटल सेंटर और ये हाइड्राइड जो बीटा पोजिशन पर है ये दोनों क्या होंगे, निकलेंगे। और ये देखिए आप, ये जो मेटल है और जो हाइड्रोजन है, हाइड्राइड है, ये निकलने के बाद ये एक ये दोनों निकल भी सकते हैं, इस तरीके से जुड़ भी सकते हैं। तो ये एलिमिनेशन कहलाएगा। और आई थिंक आपने जरूर अगर वो पढ़ लिया होगा ट्रांजिशन मेटल एल्काइल्स का, आपने अनस्टेबिलिटी पढ़ी होगी और वहां पर आपने देखा होगा जो उनकी इनस्टेबिलिटी होती है ट्रांजिशन मेटल एल्काइल्स की, दैट इज जनरली ड्यू टू अल्फा हाइड्राइड एलिमिनेशन एंड बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो आप क्या करते हैं कि उस ट्रांजिशन मेटल एल्काइल में से वो हाइड्राइड ही हटा देते हैं जिससे कि एलिमिनेशन हो ही ना पाए। तो ये अल्फा और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, जब आप उसकी इनस्टेबिलिटी की बात करते हैं कि ट्रांजिशन मेटल एल्काइल्स व्हाइल दे आर सो अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि उनमें अल्फा हाइड्रोजन होती है और बीटा हाइड्रोजन होती है और वहां से आसानी से अल्फा और बीटा हाइड्रोजन हाइड्राइड एलिमिनेट हो सकती है। तो जब बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन होगा तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के थ्रू फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तीसरे तरीके का जो मेथड है वो है फ्रोजन माइग्रेटरी इंसर्शन। फ्रोजन माइग्रेटरी इंसर्शन का मतलब होता है जो हाइड्राइड है वो क्या करता है, फ्रोजन हो जाता है। उसका मतलब वो आप देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये एक मेटल और एक कार्बन के बीच में क्या हो गया, फ्रोजन हो गया उसका। इसको एगोस्टिक हाइड्रोजन भी कहते हैं। अब आप देखिए ये एक हमारे पास रिएक्टेंट था, इस रिएक्ट जहां पर भी ओलिफिन होगी वहां पर आप देखेंगे और एक एल्काइल ग्रुप होगा या एच होगा तो वहां पर माइग्रेटरी इंसर्शन होगा। आप देखिए ये स्पीसीज में एक प्रोटॉन जब ऐड होगा तो ये प्रोटॉन जो है वो बीटा पोजिशन पर ये जो अच्छा पहले जो ये हाइड्रोजन ऐड हो रहा है वो यहाँ पर ऐड हो रहा है इस मेटल सेंटर के पास और उसके बाद यहाँ का जो हाइड्रोजन है जो सी एच बॉन्ड का हाइड्रोजन है ये इससे जुड़ना शुरू होता है। देखिए ये यहाँ जुड़ना शुरू होता है और ये जो हाइड्राइड है वो आप देखेंगे कि यहाँ पर माइग्रेट होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो एच है ये सी और CO के बीच में इसका फ्रोजन होता है। तो इसको हम कहते हैं इसका इंटरेक्शन ऑफ सी एच बॉन्ड ऑन लिगेंड विद द मेटल कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एगोस्टिक। इसको एगोस्टिक कहते हैं, ब्रिजिंग टाइप का हाइड्रोजन दोनों सेंटर्स के बीच में होगा और जनरली दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट फॉर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की ये एक ट्रांजिशन स्टेट होती है जिसमें कि फ्रोजन माइग्रेटरी इंसर्शन होता है। इंसर्शन होता है लेकिन जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, फ्रोजन हो जाएगा उसका। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन का। अब मैंने आपसे ये कहा कि जो माइग्रेटरी इंसर्शन है वहां पर माइग्रेशन होगा या वहां पर इंसर्शन होगा, इसके लिए कैलडराजू ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1967 में और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध हुआ कि जो एनायन है वो माइग्रेट होता होगा, सीओ जो है वो जो न्यूट्रल लिगेंड है वो इंसर्ट नहीं होता होगा। तो आप देखिए एक उन्होंने क्या किया, मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स लिया और इस मैग्नीज के कॉम्प्लेक्स में एक कार्बोनिल को 13 से लेबल कर दिया। अब आप देखिए कि जब इसमें माइग्रेटरी इंसर्शन होगा तो क्योंकि इसमें एक CH3 ग्रुप है तो ये जो CH3 ग्रुप है ये अपने सिस कार्बोनिल के साथ क्या हो सकता है, माइग्रेट उनके साथ होगा। तो ये CH3 इस CO के साथ, क्योंकि ये जो कार्बोनिल है देखिए इस CH3 के अगर हम सिस पोजीशन पर देखें तो एक कार्बोनिल ये है, एक कार्बोनिल ये है, एक कार्बोनिल ये है और एक कार्बोनिल ये, ये चार कार्बोनिल CH3 के सिस पर है। तो जब ये CH3 यहां माइग्रेट होगा तो ये COCH3 लेबल्ड होगा और ये जो रेड कलर का ट्रैपिंग एजेंट है कार्बोनिल वो यहां पर बाइंड हो जाएगा इस CH3 के साथ। तो ये तो हमेशा इस CH3 की जगह पर बाइंड हो जाएगा क्योंकि हमने ट्रैपिंग एजेंट यूज किया है CO और ये वैकेंट साइट पर हमेशा क्या होगा, इस पोजीशन पर बाइंड हो जाएगा जो कि रेड कलर से दिखाया है।
अब आप देखिए ये CH3 ग्रुप अगर यहाँ माइग्रेट होगा तो COCH3 बनेगा, ये CH3 अगर यहाँ पर बाइंड होगा तो यहाँ पर COCH3 बनेगा, अगर ये CH3 यहाँ पर माइग्रेट होगा तो आप देखिए ये COCH3 यहाँ पर बन जाएगा, और अगर CH3 यहाँ माइग्रेट होगा तो ये COCH3 बनेगा। अब अगर हम जो बनने वाले प्रोडक्ट है उनको देखें तो उसमें अगर हम देखें ये और ये, आप देखिए सेकेंड एंड फोर्थ, आप देखिए जो CO3 लेबल्ड है और जो COCH3 है, ये इनकी पोजिशन देखिए, ये और ये COCH3 आप देखेंगे ये प्लेन में है, इसमें भी प्लेन में है और इसमें भी प्लेन में है, मतलब CO और CH3 जो है ये एक दूसरे के सिस पोजीशन पर है। यहां पर जो लेबल्ड CO है और COCH3 एक दूसरे के सिस पोजीशन पर है, और यहां पर आप देखिए जो COCH3 है ये खुद ही लेबल्ड हो गया, और यहां पर आप देखिए जो CO है जो लेबल्ड है वो इसके COCH3 ट्रांस पोजीशन पर है। तो आप ये देखेंगे कि ये एक प्रोडक्ट बनेगा, ये एक प्रोडक्ट बनेगा, और ये दो है, तो जब भी प्रोडक्ट का रेशियो आएगा तो आप देखेंगे 1:2:1 आएगा। इस तरीके में अगर CH3 का माइग्रेशन हो रहा होगा तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो एक ऐसा होगा जहां पर COCH3 में C लेबल्ड होगा, एक ऐसा होगा जहां पर CO के साथ ट्रांसपोजिशन पर COCH3 होगा, और दो ऐसे बनेंगे जहां पर जो लेबल्ड है उसके सिस पोजिशन पर COCH3 होगा। तो ये जो रेशियो मिला 1:2:1 मिला। अब मान लीजिए माइग्रेशन इंसर्शन हो रहा होता CO का, तो अगेन ये लेबल्ड है, अब ये जो लेबल्ड है अगर ये माइग्रेट इंसर्ट हो रहा होता यहां पर, तो यहां पर आप देखेंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये माइग्रेट हो रहा है ना, ये माइग्रेट हो रहा है तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, और इस पोजीशन पर वेकेंट होगा तो ये CO यहां पर ऐड हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। देखिए अब आप देखिए कि ये CO अगर यहां माइग्रेट होगा तो यहां पर CO आ जाएगा ट्रैपिंग, और ये COCH3 हो जाएगा, तो ट्रैपिंग CO ये आ गया, देखिए फर्स्ट केस यहाँ पर लिखा है फर्स्ट केस। अब आप देखिए ये CH3 जब थर्ड वाले से रिप्लेस होगा तो यहाँ पर COCH3 आ जाएगा और यहाँ पर CO आ जाएगा, तो थर्ड वाला केस आ गया। अगर सेकंड वाले से कर रहा है तो CH3 यहाँ जो CO है वो यहाँ आ जाएगा और वो जो रेड वाला CO है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये हमें मिलेगा। अब अगर आप इन प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो आप ये देखेंगे जो CO ग्रुप है जो कि लेबल्ड है वो इस COCH3 के साथ सिस पोजिशन पर है, देखिए इसके साथ ये COCH3 सिस पोजीशन पर है, इसके साथ ये COCH3 सिस पोजीशन पर है, ये तीनों एक से हैं। आप अगर आप देखेंगे तो ये इसको देखिए और इसको देखिए सिस पोजीशन पर, इसको देखिए सिस पोजीशन पर, इसको देखिए सिस पोजीशन पर, ये तीनों एक से हैं। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर जो COCH3 है वो खुद ही लेबल्ड हो गया, वो लेबल्ड है, तो ये एक प्रोडक्ट। तो आप ये देखेंगे ओवरऑल आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है एक ये बनेगा और तीन ये बनेगा, यानी यहां पर प्रोडक्ट का रेशियो आएगा 3:1। तो केलर राजू ने देखा कि जो प्रोडक्ट आता है वो 1:2:1 में आता है, 1:2:1 में आने का मतलब है कि मिथाइल का माइग्रेशन होता होगा ना कि CO का इंसर्शन। तो जब उनको प्रोडक्ट मिले तो 3:1 के रेशियो में नहीं मिले, उनको जो प्रोडक्ट मिले वो 1:2:1 के रेशियो में मिले। इससे साबित होता है कि जो माइग्रेटरी इंसर्शन होता है, इसलिए उसका नाम जो है माइग्रेटरी पहले और इंसर्शन बाद में, तो क्योंकि इसका मतलब है कि माइग्रेशन होता होगा एनायनिक लिगेंड का और जो न्यूट्रल लिगेंड है वो इंसर्ट नहीं करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो माइग्रेटरी इंसर्शन है वहां पर क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। तो जस्ट रिवाइज करते हैं एक बार इसको, माइग्रेटरी इंसर्शन को आप देखेंगे, माइग्रेटरी इंसर्शन जो है वो उसमें होता क्या है कि एक एनायनिक लिगेंड और एक न्यूट्रल लिगेंड कपल करते हैं, कपल करने के बाद एक एनायनिक लिगेंड जनरेट करेंगे। इस तरीके से ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, ना ही इलेक्ट्रॉन काउंट में चेंज हो रहा है, ना ही अगर इफ यू आर यूजिंग द ट्रैपिंग लिगेंड, और ना ही इसके जो कोऑर्डिनेट इलेक्ट्रॉन काउंट कोऑर्डिनेशन नंबर दैट विल रिमेन द सेम। और लेकिन एल्काइलिडीन के केस में ऐसा नहीं होता है। ये मैंने आपसे कहा कि जो माइग्रेटरी इंसर्शन है ये कैटालिटिक साइकिल्स का एक प्रोसेस है, और अगर कहीं पर माइग्रेटरी इंसर्शन होगा तो एलिमिनेशन जरूर होगा। तो जो माइग्रेटरी इंसर्शन है अगर हम ट्रैपिंग एजेंट का यूज नहीं करेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। अगर ट्रैपिंग एजेंट का यूज करेंगे तो फिर माइग्रेटरी इंसर्शन होगा और एलिमिनेशन नहीं होगा। तो इसमें आपने देखा कि जो दो ग्रुप्स हैं दे शुड बी इन द सिस पोजिशन। जनरली जो मेटल डेफिशियंट सेंटर है वो माइग्रेटरी इंसर्शन को बढ़ावा देते हैं क्योंकि वो कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन
बॉन्ड एफिशिएंट बना देते हैं। न्यूट्रल लिगेंड जो यूज होते हैं जनरली, ये न्यूट्रल लिगेंड्स यूज होते हैं, और जो ट्रैपिंग लिगेंड है इट शुड बी गुड कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड। एनायनिक लिगेंड को इलेक्ट्रॉन रिच होना जरूरी है, जो कि माइग्रेट करने वाला है। मैकेनिज्म मैंने आपसे कहा कि मेन जो मैकेनिज्म है वो माइग्रेटरी इंसर्शन है, जो कि हमें एक्सपेरिमेंटली पता लगी, जो कि कैलराजू ने किया था। माइग्रेशन जो है वो तीन तरीके का होता है। एक अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन है, केवल अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन ऐसा है जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, चेंज होता है। तो अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन अगर होगा तो उसका अपोजिट क्या होगा, अल्फा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा। अगर बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन होगा तो उसका अपोजिट क्या होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा। और फ्रोजन माइग्रेटरी इंसर्शन जनरली ट्रांजिशन स्टेट होती है जब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है। और ये आपको एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया था कि जहां पर आपने देखा कि जब 1:2:1 प्रोडक्ट मिलता है तो इसका मतलब माइग्रेशन हुआ है, अगर 1:3:1 मिलता तो सीओ इंसर्शन होता। और जिससे हमें पता चला कि इसमें केवल क्या होता है, माइग्रेशन होता है एनायनिक लिगेंड का, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो 1:2:1 मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइग्रेटरी इंसर्शन। तो ये माइग्रेटरी इंसर्शन के बारे में कंप्लीट हमने देखा। और जब हम तीनों तरीके की रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन एंड माइग्रेटरी इंसर्शन, देन वी कैन गो टू द होमोजेनियस कैटालिटिक प्रोसेसेस। अब हम होमोजेनियस कैटालिटिक प्रोसेसेस की ओर जा सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की जो होमोजेनियस कैटालिटिक साइकिल्स हैं वो कैसे ऑपरेट होती हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।